दिल्ली में हो रहे किसान आंदोलन के समर्थन में पूर्णिया के इंदिरा स्टेडियम में सरकार के द्वारा लाए गए किसान विरोधी कानून को लेकर किसान संगठन, सामाजिक संगठन और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि ने एक बैठक की है। बैठक में यह फैसला लिया गया है कि 2 दिसंबर को थाना चौक पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर पैदल मार्च निकाला जाएगा। मुंगेर मंडल कारा में जेल प्रशासन के द्वारा कैदी के परिजनों से ऊनी कपड़े व चादर नहीं लिए जाने पर परिजनों ने हंगामा किया है। परिजनों ने आरोप लगाते हुए कहा कि जेल प्रशासन के द्वारा मनमानी की जा रही है। अगला इतवार को जब आए तो बोला कि नहीं मिलने का टाइम खत्म है। मुंगेर कराबा वो मेरा वो भाई जो है ना फंस गया, उसे सामान पहुँचाने आए 15 दिन से। यहाँ आए थे प्रसाद और कपड़ा पहुँचा। वो बोलता है कि 9:30 बजे तक मैं जितना सामान गया चला गया, आप नहीं जाएगा। बेटा है मेरा, दिल ना करना। कपड़ा देने माल है, ठंडा का कपड़ा है, वही देने के लिए। दरभंगा के सिविल सर्जन ने PSC बहादुरपुर पहुंचकर पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने 2 बूंद हर बार पोलियो पर जीत रहे बरकरार। आपको बता दें कि यह कार्यक्रम 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक चलाया जाएगा। मसौढ़ी के गौरीचक थाना क्षेत्र के पास NH1 पर ऑटो और बस में टक्कर होने से घटना स्थल पर 4 व्यक्ति की मौत हो गई। बताया जा रहा है शेखपुरा गाँव का निवासी जितेंद्र राम अपने पूरे परिवार के साथ ओडियाड़ा मंदिर में पूजा करने जा रहा था। वहीं आक्रोशित लोगों ने गौरीचक पटना रोड को जाम कर दिया, जिसके बाद पटना जिला परिषद अध्यक्ष अंजू देवी ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया और मृतक के परिवार को मुआवजे देने की मांग की। अरवल जिले के बिघा गांव के नजदीक सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल व्यक्ति की पहचान राकेश कुमार के रूप में हुई है, जो नवादा सकरदास का रहने वाला है। फिलहाल घायल व्यक्ति का इलाज जारी है।